बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शबे बारात स्पेशल शाही सूजी हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हलवाई स्टाइल एकदम दानेदार सॉफ्ट। आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। इसको आप नाश्ते में पूरियों और पराठों के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए शाही हलवे को बनाना स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट हलवा बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए घर में मौजूद कोई भी कटोरी या मेजरमेंट कप से आप बराबर से ही तीनों चीज़ें ले लें। जिसमें मैंने लिया है यहाँ पर 2 कप चीनी, 2 कप घी और 2 कप सूजी। अब एक पैन में जो घी मैंने आपको बताया था, इसी में से 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। इसमें जब घी गर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर ये शाही हलवा बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मखाने लिए हैं। मखानों को इसमें हल्की आंच पर फ्राई कर लेना है इतनी देर तक जब तक मखानों का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और मखाने क्रिस्पी और क्रंची ना हो जाए। 2 मिनट में मखाने फ्राई हो जाएंगे। तो जी यहाँ पर ये मखाने फ्राई हो चुके हैं, इसको एक बोल में निकाल लेना है। अब इसी पैन में 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। अब ये 1/2 कप गोंद कतीरा लिया है जिसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप इसको क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। गोंद को भी हमने इसमें फ्राई कर लेना है जब तक कि ये साइज में डबल ना हो जाए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। जब ये साइज में डबल हो जाएगी तो इट मीन्स कि ये फ्राई हो चुकी है। इसको पैन से निकाल लेंगे। अब जो मखाने हमने फ्राई करके निकाले थे, इसको हावन दस्ते या रोलिंग पिन से मोटा मोटा क्रश कर लें। सेम इसी तरह से जो गोंद फ्राई करके निकाली थी इसको भी कर लेंगे। अब इसका शीरा बनाने के लिए पैन में चीनी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 ग्लास पानी शामिल करेंगे। चार छोटी इलायची कूटकर इसमें शामिल करेंगे। चीनी को इसमें मेल्ट होने देना है। ये देखें चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें 1/4 टीस्पून फूड कलर शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और ये देखें ये शीरा रेडी हो गया है। बस इसको इतना ही पकाना है। इसका फ्लेम ऑफ करके इसको साइड पे रखेंगे। अब एक पैन में जो बाकी बचा घी था वो ऐड करेंगे। इस हलवे में घी और पानी जो है थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है ताकि वो सॉफ्ट और शाइनी बने। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें सूजी ऐड करेंगे। सूजी को हमने अच्छी तरह से घी में भून लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे सूजी को भूनने में। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इधर ये देखें सूजी अच्छी सी भुन चुकी है और इसका घी भी ऊपर आ चुका है, तो इसका फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चारमगज। इसको सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो शीरा हमने बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। एकदम से शीरा इसमें ऐड मत कीजिएगा वरना सूजी उबलकर ऊपर आएगी और ये गिर भी सकता है। तो थोड़ा ध्यान से और एहतियात से इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके शीरा ऐड करते जाएं, इसको मिक्स करते जाएं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अब कवर करके स्लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ये देखें ये अच्छा सा थिक हो चुका है। बस इसको इतना ही पकाना था, ठंडा होकर या थोड़े टाइम बाद ये खुद ही थिक हो जाएगा। अब इसमें हसब ज़रूरत किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश को वॉश करके 5 से 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था मैंने। साथ ही इसमें हसब ज़रूरत नट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 कप के बराबर मिक्स नट्स लिए हैं। गोंद जो फ्राई करके क्रश की थी वो ऐड करेंगे। हलवे में गोंद ऐड करने से क्रिस्पी और क्रंची फ्लेवर आता है जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ी सी गोंद बचा ली है मैंने, इसको एंड में डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने इसमें मखाने ऐड नहीं किए, मखाने कब ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। और बस फिर हलवे को डिश आउट कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने पूरियाँ भी झटपट से रेडी कर ली थी। ये कोई बाजार की पूरियाँ नहीं है बल्कि मैंने खुद बनाई हैं। ऐसी फूली फूली पूरियों की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऊपर से थोड़े से मिक्स नट्स और गोंद जो फ्राई की थे वो ऐड करेंगे। मखाने जो फ्राई करके स्टार्ट में निकाले थे, इसको जब आपने हलवा खाना हो तभी इस पर ऐड कीजिएगा, वरना हलवे में ऐड होकर जब ये मिक्स होगा तो ये सॉगी हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। गोंद और मखानों का क्रिस्पी क्रंची फ्लेवर ही अच्छा लगता है हलवे में। ये देखें माशाल्लाह कितना शाइनी सा शाही हलवा रेडी हो गया है।
अब आप इसको दावत में बनाएं या सुबह नाश्ते में बनाएं। इस शबे बारात आप भी इसको अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।